दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद जैन फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है मस्त हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूं ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स सब्जेक्ट, जिसके अंदर मैं आ चुका हूं प्रोफेशनल एथिक्स वर्ड के ऊपर। बेसिकली मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको बताया कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज क्या है और वैल्यूज क्या है। अब इस पार्ट के अंदर अपन केवल डील करने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। अब जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में आपको बताया था कि एथिक्स क्या है, एथिक्स जो है वो हमारे गोल्डन रूल्स हैं जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, बड़ों की आदर करना चाहिए, जो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। इसमें कोई कास्ट का कोई बैरियर नहीं होता, इसमें का हमेशा चीज ये जो होती है वो एप्लीकेबल होती है समान रूप से, नहीं एज नहीं जेंडर, किसी चीज का कोई भी भेदभाव नहीं होता, दैट इज एथिक्स। इतनी बार समझ में आई, लाइक स्पीकिंग ट्रूथ। अब वो छोटा हो उसको भी सच बोलना चाहिए, बड़ा हो उसको भी सच बोलना चाहिए, है ना। हम इंडियन हो तो भी सच बोलना चाहिए, अफ्रीकन हो तो भी सच बोलना चाहिए, ठीक है। चोरी नहीं करना चाहिए तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो दैट इज द पार्ट ऑफ एथिक्स, दीज आर द एथिक्स। अब इसमें जब प्रोफेशनल एथिक्स की मैं बात करता हूँ तो मेरे को बात समझ में आनी चाहिए कि प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन इज अ लाइक के टीचिंग इज अ प्रोफेशन, MBA इज अ प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशन में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है इस वीडियो के, लेकिन प्रोफेशन क्या है, MBA यदि आप कर रहे हैं, BBA यदि आप कर रहे हैं, तो दीज आर द प्रोफेशनल कोर्स। BA जो है वो नॉन प्रोफेशनल कोर्स है। तो नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल में अंतर क्या है सर? इसके अंदर प्रोफेशनल कोर्स के अंदर हम कोई स्किल सीखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जैसे 2 साल का MBA है, MBBS 4 साल का है, लॉयर है, ठीक है, CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दीज आर द प्रोफेशनल कोर्सेज। जब हम किसी पर्टिकुलर स्किल सीख रहे हैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो प्रोफेशनल कोर्स कहलाता है। नॉन प्रोफेशनल लाइक BA हो गया अपना, जिसमें अपन आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, दर्शन शास्त्र सीख रहे हो, फिलोसॉफी, उसके अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो प्रोफेशन के जो एक्ट परफॉर्म करता है वो प्रोफेशनल बंदा कहलाता है। जो प्रोफेशन को परफॉर्म करता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रोफेशन को परफॉर्म करता है वो प्रोफेशनल कहलाता है। लाइक जो डॉक्टर्स है वो MBBS का कोर्स करके आए प्रोफेशन, तो वो प्रोफेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, डॉक्टर्स के जो प्रोफेशन है उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो प्रोफेशनल कहलाया, ठीक है। जो टीचर्स है वो टीचिंग प्रोफेशन को एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो टीचर्स आर प्रोफेशनल कहलाए, लेक्चरर्स आर प्रोफेशनल कहलाए। आई होप ये क्लियर हो। अब इन दोनों पॉइंट को अपन ज्वाइंट करते हैं, एथिक्स और प्रोफेशनल, यानी प्रोफेशनल एथिक्स। जो रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल, जो रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल इन द प्रोफेशन, दीज आर कॉल्ड प्रोफेशनल एथिक्स। बहुत सिंपल है, कहां परेशानी आ रही है बताओ। जो रूल्स, जो नियम, जो कायदे पूरे प्रोफेशन पे लागू होते हैं, यानी भले वो डॉक्टर हो, भले वो लॉयर हो, भले वो टीचर हो, भले वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, है ना, उस पर लागू होते हैं वो नियम प्रोफेशनल एथिक्स कहलाते हैं। तो सर ऐसे कौन से नियम होते हैं? हमें हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, वर्क टाइमली फुलफिल करना चाहिए, करना चाहिए ना, तो दीज आर द वन ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स। द प्रोफेशनल एथिक्स का एक एग्जांपल, डू योर वर्क ऑन टाइम, जस्ट ओबे योर बॉस, जॉब की तो फुल फॉर्म यही है, जस्ट ओबे योर बॉस, तो ये एक सेकंड प्रोफेशनल एथिक्स है। वर्क की जो सीक्रेसी की बात होती है, यानी गोपनीय बातें होती है, वो कहीं से शेयर न करें, यानी कि कंपनी की, ये थर्ड एग्जाम्पल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स। आई होप इसका मीनिंग समझ में आया होगा कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या है। द प्रोफेशनल एथिक्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल इन द प्रोफेशनल एरा, इन द प्रोफेशनल एरा या सर्विस एरा, है ना, आप इसको सर्विस एरा भी बोल सकते हो, क्योंकि मेजरली जितने भी प्रोफेशन है वो सर्विस इंडस्ट्री में ही आते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं। अब कोई टीचर है तो क्या उसको समय पे अपना काम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, डॉक्टर को भी करना चाहिए, लॉयर को भी करना चाहिए, यानी कि, और जो अपने क्लाइंट है उनके साथ डिसऑनेस्टी नहीं करनी चाहिए, उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं करना चाहिए, उनको कोई गलत राय नहीं देना चाहिए। जैसे टीचर्स को ये नहीं करना चाहिए, अरे मैंने बहुत जगह देखा, अरे ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, कोई बात अच्छे के लिए है और कोई बात इसलिए है कि भैया मनी मार्जिन, डॉक्टर्स ने लिख दिया 10 टेस्ट, एक्चुअल में लिखने चाहिए थे 3 टेस्ट, 7 टेस्ट उसने एक्स्ट्रा लिख दिया फॉर द पर्पस ऑफ कमीशन। बोलना नहीं चाहिए, काफी नोबल कॉज है डॉक्टर बनना, लिटरली द डॉक्टर्स इज द सेकंड गॉड जो इंसान को बचाते हैं, लेकिन आज बहुत सारे डॉक्टर्स गलत लाइन में जाते हैं, आपने खुद ने बात ऑब्जर्व करी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे डॉक्टर्स खराब है, पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे डॉक्टर्स सही हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, खैर डॉक्टर्स ज्यादा जानते हैं कि कौन से में कितने टेस्ट कराने चाहिए, लेकिन कितनी बार ऐसे क्लेम किया गया है कि अननेसेसरी टेस्ट, तो ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। सो ये एथिक्स का पार्ट नहीं है।
तो इथिक्स क्या कहता है? इथिक्स ये कहते हैं कि आपको हमेशा काम अपना ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए, आपको अपना काम नोबल तरीके से करना चाहिए, सोशल वेलफेयर के लिए करना चाहिए, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करनी चाहिए, मीन्स कि आपके जो एक्चुअल प्राइस है उस पर बात करनी चाहिए। आई होप ये थिंग्स आपको क्लियर हो रही होगी। प्रोफेशनल एथिक्स का मीनिंग अपन ने पूरा डिटेल में समझ लिया। अब ये सब्जेक्ट है, नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाए, क्रिस्प है, कभी भी सुन लो, मस्ती से मजा आ जाएगा। जय हिंद। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मुझे जल्दी से बताइएगा। जय हिंद।